गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, यू आर वेलकम बैक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर 3, द रेड्स एंड द एलिमेंट्स। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, एक अच्छा दिन आया, व्हेन द रेड्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड साउंड्स of elephants coming from the direction of the pond। तालाब की दिशा से आती हुई हाथियों की तेज चिल्लाने की आवाज को उन्होंने सुना। मूसकराज realized that the elephants were in some danger। मूसकराज ने महसूस किया, realized होता है महसूस किया, मूसकराज ने महसूस किया that the elephants जो हाथी हैं were in some danger, कुछ खतरे में हैं, कुछ खतरे में हैं। मूसकराज ने महसूस किया कि हाथी कुछ खतरे में हैं। मूसकराज realized that the elephants were in some danger। मूसकराज ने महसूस किया कि हाथी कुछ खतरे में हैं। That's clear. Next paragraph देखिए. Let's start. He asked some of the strong reds in his group to come along and went in the direction of that sound. Full stop. He asked some of the reds of the strong reds in his group to come along. उसने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों को साथ आने के लिए कहा। उसने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों को साथ आने के लिए कहा। along means होता है साथ, group means समूह, strong means ताकतवर। and went in the direction of that sound, और उस आवाज की दिशा की ओर चल दिया। near the pond they saw the elephants caught in the trap kept by some hunters, full stop। near the pond, तालाब के पास, they saw, उन्होंने देखा, the elephants, हाथी, caught in the traps kept by some hunters, they saw, उन्होंने देखा कि हाथी caught in the traps, जाल में फंस गए हैं, kept by some hunters, जिसे शिकारियों के द्वारा रखा गया। वह जाल जिसे शिकारियों के द्वारा रखा गया था, चूहों ने देखा कि हाथी उसमें फंस गए हैं। The rats quickly started beating the ropes with their sharp teeth। चूहों ने शीघ्र ही अपने पैरी दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू किया। The rats quickly started beating the ropes with their sharp teeth। The rats, चूहों ने शीघ्र ही अपने पैरी दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू किया। Soon the elephants were set free। शीघ्र ही हाथी आजाद हो गए। Set free में होता है आजाद होना, मुक्त होना। They thanked the rats, उन्होंने चूहों का धन्यवाद दिया। And also felt sorry for making fun of their small size, और उन्होंने उनके छोटे आकार का मजाक उड़ाने की गलती को महसूस किया। That's clear. What meaning देखिए। Direction, direction, direction means दिशा, दिशा, realized, realized, realized means महसूस किया, महसूस किया, स्ट्रॉन्ग
strong, strong strong means ताकतवर। come along, come along, come along means साथ आना, come along means साथ आना, track means jar, hunters, hunters, hunters means शिकारी, quickly, quickly means शीघ्रता से, शीघ्रता से, beating means काटना, beating means काटना, making fun, making, making fun, मजाक बनाना, that's clear। देखिए आगे क्वेश्चन और कंप्रेंशन समझने के लिए प्रश्न जो आपको पैसे मैंने अभी कराया है उसमें से आपको क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था एक पैसे उसमें से क्वेश्चन आए थे और इसमें भी सेकंड जो पैसे मैंने कराया है उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं और उनका आंसर मैंने राइट किया है। इससे आपको एक हैबिट हो जाएगी कि जैसे कि आपका पैसिव वाला कोई क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि पैसिव में से क्वेश्चनों के आंसर कैसे पैसिव में से हमको छांटने हैं, कैसे हमें उनका आंसर लिखना है, तो वो हैबिट आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डिड द रैट्स हियर व्हेन दे वर प्लेइंग। जब चूहे खेल रहे थे तो उन्हें क्या सुनाई दिया, आंसर देखिए, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड साउंड्स ऑफ एलिमेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, तालाब की दिशा से आते हुए हाथियों की तेज आवाज को उन्होंने सुना या उन्हें सुनाई, तालाब की दिशा से आती हुई तेज चिल्लाने की आवाज को उन्हें सुनाई दी, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड मूसकराज रियलाइज, मूसकराज ने क्या महसूस किया, आंसर देखिए, मूसकराज रियलाइज, अब देखिए रियलाइज डिड लग रहा है तो उसमें ई भी लगेगा, सेकंड फॉर्म रियलाइज दैट द एलिमेंट्स वर इन सम डेंजर, मूसकराज ने महसूस किया कि हाथी कुछ खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रैट्स सेट द एलिमेंट्स फ्री, कैसे चूहों ने हाथियों को आजाद करवाया, आंसर द रैट्स सेट द एलिमेंट्स फ्री बाय बिटिंग द रोप ऑफ ट्रैप्स इन विच दे वर कॉट, द रैट्स सेट द एलिमेंट्स फ्री बाय बीटिंग द रोप्स ऑफ ट्रैप्स इन विच दे वर कॉट, द रैट्स सेट द एलिमेंट्स फ्री बाय बीटिंग द रोप्स, चूहों ने हाथियों को रस्सी काट करके जाल ऑफ ट्रैप्स, जाल की रस्सी को काट करके उन्हें आजाद किया, इन विच दे वर कॉट, जिसमें वे पकड़े गए थे या फंस गए थे। एक बार देखिए, the rats set the elephants free by beating the rope of traps, the rats set the elephants free by beating the rope of traps, चूहों ने जाल की रस्सियों को काटकर हाथियों को आजाद किया, in which they were caught, जिसमें वे हाथी या जिसमें वे
फंस गए थे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में से हिंदी वाक्य शीघ्र ही हाथियों को मुक्त कर दिया गया का अंग्रेजी वाक्य लिखिए, मतलब इसकी इंग्लिश में चेंज करना। आंसर देखिए, सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। दैट्स क्लियर।